नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्थानीय महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारा। कल द्वितीय वर्ष की कक्षा में हमने बलबन की कुछ उपलब्धियों के बारे में, उसकी आरंभिक समस्याओं के बारे में और उसके राजस्व के सिद्धांत के बारे में कुछ चर्चा की। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बलबन का जो अगला सिद्धांत है, उसके प्रशासकीय सुधार है, उसकी जो समस्याएं थी मुख्य, उसमें से मंगोलों के आक्रमण भी थे, उनसे बचने के लिए, उनसे निपटने के लिए बलबन ने क्या नीति अपनाई। साथ ही साथ एक बंगाल की उसके काल में समस्या पैदा हो गई थी, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो पहला आज जो मैं बताना चाह रही हूँ, रक्त एवं लौह का सिद्धांत, ब्लड एंड आयरन। वैसे ये सिद्धांत कई बार आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, और प्रश्न पत्र में भी आता है कि सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लौह का सिद्धांत अपनाया। उसका उत्तर है बलबन। रक्त और लौह का सिद्धांत आप देख रहे हो, कठोर दमन का सिद्धांत है, हत्याएं करना, अपने शत्रुओं को पराजित करना, ये सारी उसने प्रक्रिया अपनाई, क्योंकि वो ये देख चुका था कि किस तरह से चालीसा दल जो था, मुख्य मुख्य सामंत जो थे, वो प्रभावशाली होते जा रहे थे। वो ये निर्णय करने लगे थे कि अगला सुल्तान कौन होगा, और अगर सुल्तान उनकी इच्छानुसार नहीं चलता, उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो वो ये योग्यता रखते थे कि उस सुल्तान को पदच्युत कर सकें। तो इससे निपटने के लिए बलबन ने जो है चालीसा दल के सरदारों का दमन किया। कुछ को उसने हत्याएं करवा दी, कुछ को महत्वपूर्ण पद नहीं दिए, ऐसे पद दिए जो बहुत कम महत्वपूर्ण थे, और महत्वपूर्ण पद पर उसने अपने ही विश्वस्त सरदार, जो नए लोग थे, उनको बिठाने की एक स्पष्ट नीति अपनाई। इसके कारण क्या हुआ कि चालीसा दल के जो लोग थे, अब उनके पास आदू की हत्या हो गई, इस तरह से उनको हटा दिया गया, पदच्युत कर दिया गया, और साथ ही साथ जो बचे हुए लोग थे उनको भी ऐसे पद दे दिए गए कि ना उनके पास ज़्यादा सैनिक शक्ति रह गई, आर्थिक संसाधन उनके कम हो गए, उनका इम्पोर्टेंस जो है, प्रतिष्ठा जो है, उसको बड़ा ही धक्का लगा। और एक की प्रतिष्ठा जब कम हुई तो बलबन की प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ी, और जो नया सामंत वर्ग अब आया था वो पूरी तरह से बलबन के रहमो करम पर था, उसकी अनुकंपा पर था, इसलिए वो बलबन के प्रति अंत तक वफादार बन के रहा। इस तरह से उसने अपने चालीसा दल के जो सदस्य थे, जो सामंत थे, जो इतने शक्तिशाली थे कि एक काल में रजिया जैसी योग्य शासकों को उन्होंने हटा दिया था, वो सारे अब निष्प्रभावी उसने कर दिए। ये इसके प्रति जो इसने नीति अपनाई वो अलग थी। इसके बाद में आंतरिक विद्रोहों की जो बलबन के काल में समस्या आई, दो तरह से बताए थे, एक तो मेवात में जो था, मेव जो लोग थे वो डाकू थे, लूटपाट कर दिया करते थे, दिल्ली के आसपास नहीं, दिल्ली तक वो आ गए थे। तो इसके लिए बलबन ने क्या किया, और ये इनके साथ ये होता था कि ये लूट करके चले जाते थे और जंगलों में जाकर के छुप जाया करते थे, तो इनसे कैसे निपटा जाए। तो बलबन ने क्या किया, पूरे के पूरे जंगल जो हैं जहाँ मेव छुप सकते थे वो साफ करवा दिए, उनमें आग लगा दी, इस तरह से उनको मार दिया गया, जो बाहर निकले उनकी हत्याएँ कर दी गई। और कहते हैं कि मेवाओं के जो स्त्रियां थे, बच्चे थे, जो बचे हुए थे, उनको पकड़ करके गुलाम बनवा दिया गया, ताकि भविष्य में भी 40, 50, 100 साल बाद भी ये में समस्याएं कानून व्यवस्था की अब सामने नहीं आनी चाहिए। दूसरी एक और थे कटहर राजपूत, जो कि उत्तर प्रांत, मध्य प्रांत के जो क्षेत्र है वहाँ पर समस्याएं कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे बार बार। इससे परेशान होकर के बलबन ने जो ऐसा किया कि जो इनके सारे के सारे गांव थे वो जलवा दिए गए, और जिस तरह से वहाँ उन पुरुषों की, सारे वयस्क पुरुषों की हत्याएं कर दी गई, और जो स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे जो बचे थे उनको पकड़ करके गुलाम बनवा दिया गया। तो इस तरह की कठोर नीति का अगर कोई भविष्य में भी विद्रोह करना चाहे तो उसके मन में भय पैदा हो जाता है कि जब मेरा विद्रोह असफल होगा तो मेरे साथ भी इस तरह का सुलूक किया जाएगा, मेरे परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार होगा, इस तरह का कठोर दंड दिया जाएगा, तो ये विद्रोह की संभावनाएँ ही क्षीण होती हैं। इस तरह से उसने चालीसा दल के सदस्यों के साथ, मेवों के साथ और कठहर राजपूतों के साथ, जो
पॉलिसी अपनाई, जो नीति अपनाई, वो नीति रक्त और लौह की नीति, या अंग्रेजी में अगर कहें तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। ये है आपके बलबन की रक्त और लौह की नीति। अगली जो उसकी समस्या थी, सीमांत की समस्या, मंगोलों की समस्या। मैंने बताया था आपको कि रज़िया के बाद से ही दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं हैं वो सिकुड़नी शुरू हो गई थी उत्तर पश्चिम से, क्योंकि लगातार मंगोल जो हैं वो दबाव बना रहे थे, हमले कर रहे थे, इस तरह से उनका क्षेत्रफल बढ़ रहा था उनके साम्राज्य का, और दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का क्षेत्रफल सिकुड़ता चला जा रहा था। ऐसे में जो है बलबन ने जो उपाय अपनाए, हालांकि ये थोड़ा विवादास्पद है, कुछ कहते हैं कि डिफेंसिव ही रहा, सुरक्षात्मक ही रहा, उसने हमले का आक्रमण की नीति नहीं अपनाई, लेकिन फिर भी उस समय वो नीति सफल रही। उसने क्या किया बच्चों, मध्यकाल में जो सुरक्षा का अभेद्य जो चीज़ हुआ करती थी वो किले होते थे। जब तक तोपों का आविष्कार नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही कोई हमला होता, जो सेनानायक है, जो प्रजा है, बड़े बड़े सरदार हैं, सभी लोग किले में छुप जाया करते थे। तो उसने उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उसमें कई नए किले बनवाए, सनम सुमाना कई जगहों के नाम आते हैं, और जो पुराने किले थे जो कहीं टूट फूट चुके थे उनकी भी उसने मरम्मत करवाई, और अपने जो साम्राज्य के सबसे अच्छे सैनिक थे, जो सबसे अच्छे सेनानायक थे, उसको जो है उत्तर पश्चिम के प्रांतों में तैनात करके रखा, ताकि अगर मंगोलों का हमला होता है तो उसकी बेस्ट टीम, जो उसकी सबसे अच्छी टीम है, वो उसका सामना करने के लिए सामने आए। और जो भी सैनिक थे उनको भी व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं हो कि आप प्रैक्टिस नहीं करो और आलसी हो जाओ। तो इसके लिए जानबूझ करके, खास करके जो उत्तर पश्चिम में जो सैनिक टुकड़ियां तैनात थी, वो शिकार अभियान लगातार वर्ष भर चलाता रहता था, ताकि सैनिक जो हैं चाक चौबंद रहें, चुस्त दुरुस्त रहें, युद्ध के लिए कभी भी तैयार रहें। अब बलबन की यह नीति कितनी सफल रही या विफल रही, लेकिन मंगोल आक्रमणकारियों का दबाव ज़रूर जो है उत्तर पश्चिम से कम हो गया। हालांकि इसका एक खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ा, उसका जो सबसे योग्य शहजादा था, जो उसका सबसे प्रिय शहजादा मोहम्मद जो था, वो इन्हीं मंगोल आक्रमणकारियों के एक हमले में जो है मारा गया था। अब तीसरा है प्रशासकीय सुधार, बलबन ने क्या क्या किए। तो चालीसा दल के दमन के लिए, क्योंकि चालीसा दल के पास क्या था कि सेना जो है, तब तक ना इल्तुतमिश की कोई स्थायी सेना थी, ना ऐबक की थी, ना इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की थी, सल्तनत के सुल्तान की कोई भी स्थायी सेना तब तक नहीं थी। बलबन ने जो है स्थायी सैन्य विभाग दीवाने आरिस का गठन किया, या दीवाने अर्ज का गठन बलबन ने किया। ये जो है, जैसे ही स्थायी सैन्य विभाग हो गया, सामंतों पर उसकी जो रिलायबिलिटी थी, उस पर जो उसका, उस सामंतों पर उसका जो प्रमाण था वो ख़त्म हो गया। अब निर्भर नहीं रहा वो, सामंतों के निर्भरता समाप्त हो गई। इस तरह से वो इन समस्या से निपटने में सफल रहा। दूसरा, उसने गुप्तचर विभाग, बरीदों का, गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था, उसका विभाग जो था उसकी स्थापना की। ये गुप्तचर सामंतों की गतिविधियों पर, चालीसा दल के सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी विशिष्ट रूप से रखा करते थे, ताकि भविष्य में वो कोई विद्रोह करें उससे पहले ही बलबन तक उसकी सूचना पहुंच सके। सारे चालीसा दल के सदस्यों में बलबन के नाम से ये जो दो सुधार थे, इनसे भय पूरी तरह से व्याप्त हो गया। बलबन की इच्छा थी कि जो सेना है उसको भूमि के बदले वेतन दिया जाए, लेकिन ऐसा करना संभव उसके लिए नहीं हो पाया। ये शायद अलाउद्दीन खिलजी के भाग्य में ये सुधार होना लिखा था। अब उसके काल में एक विद्रोह की समस्या आई, एक ही विद्रोह हुआ था बंगाल में 1279 में। बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन मानता था, अपने आप को दिल्ली सल्तनत के अधीन माना करता था, बंगाल के गवर्नर तुगरिल बेग ने विरोध कर लिया, और इस विरोध के कारण क्या हुआ, बलबन ने अपने सेना को भेजा पहले, और जो सेना नायक था वो पराजित होकर के आ गया। तो आगे से कोई पराजित होकर के जीवित अगर वापस लौट जाए, इसकी संभावना को ख़त्म करने के लिए, क्षीण करने के लिए, बलबन ने उस सेनापति की गर्दन काट दी और शहर के किले के बाहर लटका दी। इससे आम जन में, सामंतों में पूरी तरह से भय व्याप्त हो गया, और उसके बाद जो है दूसरे अभियान में वो खुद गया, वहाँ बंगाल वापस विजिट करके वो लौट के आया, और अपने ही पुत्र को वहाँ का आखिरकार गवर्नर उसने नियुक्त किया। तो जब उसका ही पुत्र है तो वो
बाकी काल में बलबन के प्रति वफादार रहा। ये बलबन की आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, सीमांत नीति, उसके प्रशासकीय सुधार और बंगाल समस्या को उसने कैसे सुलझाया, इसके बारे में आज मैंने जानकारी दी। इसमें से दो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक तो बलबन की रक्त और लौह की नीति, इसमें निबंधात्मक नहीं तो छोटे वाले जो हैं, बीच वाले जो प्रश्न हैं 3-4 नंबर के, वो आपके बनते हैं। और दूसरा जो है, दीवाने आरएस की स्थापना किसने की, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास विषय का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, इसका श्रेय बलबन को दिया जाता है। अब इन सारे सुधारों से दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान हैं वो स्थिर हो गया, सल्तनत स्थिर हो गई। जो समस्याएं छोटी मोटी आ रही थी उत्तर पश्चिमी से या बंगाल से, उसका उसने अच्छे से निस्तारण किया। कई सारे इतिहासकार उनका ये मानना है कि बलबन की जो मंगोलों के प्रतिनिधि थी वो अटैकिंग नहीं थी, आक्रामक नहीं थी, बल्कि सुरक्षात्मक थी, डिफेंसिव मोड पर ही वो हमेशा रहा। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो बलबन जो है अपनी कुशलता से, अपनी सेना से अच्छी तरह परिचित था कि मंगोलों का हम प्रत्यक्ष सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने सुरक्षात्मक नीति ही अपनाई। दूसरा कहते हैं कि उसने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। पहले आपका जो अस्थिर राज्य है उसको स्थायित्व देना सबसे ज़रूरी होता है। अगर वो स्थायी ही नहीं है तो आप नए इलाके क्या जीतोगे, जब पुराने जीते हुए इलाकों पर ही आप कंट्रोल या नियंत्रण तरीके से नहीं कर पा रहे हो। तो बलबन की जो सोच है वो इस मामले में बड़ी ही प्रैक्टिकल थी, और उसने जो सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया, आगे साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन खिलजी की किस्मत में लिखा हुआ था, उसने जो है सल्तनत को अपने चरम पर पहुंचाया। बलबन ने जो नींव तैयार की उसी पर अलाउद्दीन का साम्राज्य रूपी महल खड़ा हो सका, इसका श्रेय मैं बलबन को देना चाहूँगी। बलबन की इन्हीं उपलब्धियों को गाते हुए गिनाते हुए आज का अध्याय मैं समाप्त करती हूँ। बलबन की रक्त लौह की नीति, उसकी राजस्व की नीति और सेना का गठन, ये बड़े ही महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं आपके इतिहास के, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।